हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आपको बिग बाज़ार की सैर करवाने जा रही हूँ। और ये महागुन मेट्रो का बिग बाज़ार है। चलिए देखते हैं आज क्या क्या मिलेगा उसमें हमें। तो ये जो मॉल है ये दिल्ली से लगे हुए NCR में वैशाली में पड़ता है। ये महागुन मेट्रो मॉल वैशाली का है और इसके मैं बिग बाज़ार में एंटर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद मुझे स्टार्टिंग से दिखाई देने लगा कि जो मेंस का सेक्शन था वहाँ पर 50% फ्लैट ऑफ चल रहा था। ये मैं गई थी करीब 8 या 10 फेब को 2019 के, और मुझे यहाँ पर सिर्फ इतने एरिया में मेंस का वुलन चीज़ें दिखाई दी, कपड़े दिखाई दिए। वुमेंस में ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दिए वुलन्स। यहाँ पर सारा न्यू कलेक्शन आ चुका था तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर एक दो पीस दिखे मुझे बट इसमें कहीं टैग नहीं लगा था। तो जहाँ जहाँ आपको प्राइस नहीं नज़र आए आप समझ लीजिए मुझे टैग नहीं दिखाई दिया है, वरना इस बार जो मैंने शूट किया है ये बिग बाज़ार का हॉल, इसमें मैंने कोशिश करी है कि टैग दिखाने के साथ साथ मैं आपको स्क्रीन पर भी इनके प्राइजेस लिखकर दिखाऊं। जैसा कि अभी आपने देखा तो स्क्रीन पर जहां पर आपको कोई कपड़ा, कोई भी कुर्ती या कोई भी क्लोथिंग दिखाई दे रही है उसके साथ जो स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है प्राइस, ये उसका ही प्राइस होगा। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझसे शिकायत करी थी कि आपने प्राइस ढंग से नहीं दिखाया, तो इस बार मैं दोनों काम कर रही हूँ। मैं स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ और आपके साथ और आपको टैग भी साथ में दिखाते जाऊंगी। जहां पर नहीं मिलेगा वहां पर मैं नहीं दिखा पाऊंगी या नहीं बता पाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर क्या क्या नया कलेक्शन आया हुआ है। तो इस बार मुझे देखने में मिला कि यहां पर स्टार्टिंग में तो आपको थोड़े मैं क्रॉप टॉप या टॉप्स वगैरह दिखा रही हूं जो आप स्कर्ट्स के ऊपर डाल सकते हो इस तरीके के, और काफ़ी सारे आगे मैं और भी दिखाऊंगी जो आप साड़ीज़ पर भी ले सकते हो और लहंगा स्कर्ट्स के ऊपर भी ले सकते हो। और इस बार कलेक्शन में जो आया है न्यू वो खादी स्टाइल की कुर्तीज़ बहुत दिखाई दी मुझे, जो अभी आप आगे देखोगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी लगी मुझे। तो समर्स का वेलकम हो चुका है तो इस बार हमें मिलने वाली हैं बिग बाज़ार में खादी स्टाइल की कुर्तीज़। अब प्योर खादी है कि नहीं ये तो नहीं कह सकती हूँ बट वो देखने में तो खादी की दिख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई वो। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ की सारी कलेक्शन।